नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट पिक्स के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं दीपक सिंह और आज हम बात करेंगे रियलमी X2 के बारे में। सो एवरीथिंग अबाउट दिस फोन वॉज रिवील्ड इन एडवांस या फिर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। पहले रियलमी ने इसको रियलमी XT 730G के नाम से अनाउंस किया था, यानी रियलमी XT का एक टॉप वेरियंट, और ये अपने शेड्यूल टाइम पे दिसंबर में रियलमी X2 नाम से, यानी Realme X2 Pro जो उनका करंट फ्लैगशिप है, उसके बेस वेरिएंट के नाम से लॉन्च हुआ है। मैटर करता है कि ये शायद सबसे सस्ता फ़ोन है स्नैपड्रैगन 730G के साथ। इसमें है 64 मेगापिक्सल कैमरा, इसमें है AMOLED डिस्प्ले और रूक फास्ट चार्जिंग, और ये सब बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइसेस में। बट क्या आपको ये फ़ोन खरीदना चाहिए, आइए इसके बारे में हम बात करेंगे अपने वीडियो में। अब बात करते हैं Realme X2 के बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले इसका डिज़ाइन, जो कि एग्जैक्टली सिमिलर है रियलमी XT की तरह। ये फ़ोन पकड़ने में काफ़ी कंफर्टेबल है, लेटेस्ट डिज़ाइन ट्रेंड्स को फॉलो करता है, और जी हाँ, आगे और पीछे रियल ग्लास है फॉर वॉट एवर दैट मैटर्स, गोरिल्ला ग्लास 5 ऑन फ्रंट एंड बैक। डिज़ाइन में काफ़ी कुछ है सराहने के लिए, लेकिन ओवरऑल बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं है। उसके दो कारण हैं। पहला कि जो वी शेप वाटर ड्रॉप नॉच है वो 2019 के एंड तक ओवर फेमिलियर हो चुका है। अब आगे आने वाले साल में हम जो फ़ोन्स देख रहे हैं लीक्स में, उनमें सर्कुलर नॉच है, सेंटर में सर्कुलर नॉच है, तो इसकी वेरिएशंस सारे मैन्युफैक्चरर्स ट्राई कर रहे हैं, और ये वी शेप नॉच आज थोड़ा सा डेटेड लग रहा है हमें। दूसरा, जो 64 मेगापिक्सल कैमरा जो सिस्टम है वो थोड़ा सा बाहर निकलता है, और उसको इवन आउट करने के लिए जो बॉक्स में कवर है वो थोड़ा सा थिक है, और कवर में प्लांट होने के बाद ये फ़ोन थोड़ा सा भारी और बल्की लगता है, बट कवर के बाहर काफ़ी प्रीमियम है, एटलीस्ट अगर हम इसी प्राइस रेंज के फ़ोन्स के साथ कंपेयर करें तो। अच्छी बात यह है कि बेसिक्स सारे वेल कवर्ड हैं। फ़ोन में जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है बहुत ज़्यादा फास्ट, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा रिलायबल है। डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट भी है, और ऑडियो जैक पे भी रियलमी ने एलिमिनेट नहीं किया है। रियलमी X2 में 6.4 इंच का AMOLED डिस्प्ले है, जो कि काफ़ी शार्प और विविड है। डिस्प्ले ब्राइटनेस 430 निट्स है रियलमी के अकॉर्डिंग, एंड इस फ़ोन को ओकेजनली आउटडोर्स यूज़ करने में हमें कोई भी समस्या नहीं हुई। इस फ़ोन में दो कलर प्रोफाइल्स हैं, विविड एंड जेंटल। विविड प्रोफाइल थोड़ी ज़्यादा विविड है, यानी कि कलर्स थोड़े से ओवर सैचुरेटेड हैं, थोड़े ज़्यादा पंची हैं, और वाइट्स थोड़े से ब्लूइश हैं। इसके साथ ही जेंटल प्रोफाइल, जो कि sRGB गमट को टारगेट करती है, उसमें कलर्स नेचुरल्स हैं, या फिर एटलीस्ट नेचुरल कलर्स टारगेट किए जा रहे हैं, लेकिन ये मोड थोड़ा सा ब्लैंड फील होता है। इन दोनों प्रोफाइल्स के बीच में अगर एक ऑप्शन होता तो काफ़ी अच्छा होता। क्योंकि ये AMOLED डिस्प्ले है, तो AMOLED के डीप डार्क ब्लैक्स को सेवर करने के लिए इसमें एक्सपेरिमेंटल डार्क मोड और ऑलवेज ऑन मोड जैसे फीचर्स हैं। एक्सपेरिमेंटल इसलिए क्योंकि डार्क मोड अभी भी सभी ऐप्स में परफेक्टली नहीं चलता है, बट काफ़ी अच्छे से फिर भी थॉटफुली डिज़ाइन है। इसके साथ ही AMOLED डिस्प्ले का फ़ायदा आप उठा पाएंगे मीडिया स्ट्रीमिंग के लिए, एंड थैंकफुली Realme X2 में DRM L1 सर्टिफिकेट है, और नेटफ्लिक्स एंड प्राइम वीडियोज़ जैसे ऐप्स पे HD स्ट्रीमिंग भी सपोर्टेड है। इसके साथ ही अगर हम AMOLED स्क्रीन्स के ड्रॉबैक्स की बात करें तो वो है PWM मॉड्यूलेशन, एंड उसको काउंटर करने के लिए DC डिमिंग का ऑप्शन भी फ़ोन में अवेलेबल है। इसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हम एक लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ देंगे। तो दोस्तों, Realme X2 एक गेमिंग फ़ोन है, और यहाँ पे बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस में आपको स्नैपड्रैगन 730G, UFS 2.1 स्टोरेज, LPDDR4X RAM जैसे स्पेक्स मिलते हैं। और इंडिया में ये फ़ोन 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, और जो वेरिएंट हम टेस्ट कर रहे हैं उसमें 8GB RAM और 128GB स्टोरेज है, यानी कि टॉप वेरिएंट। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो डे टू डे यूसेज परफॉर्मेंस, स्क्रोलिंग, मल्टीटास्किंग सब बिल्कुल स्मूथ है, और गेमिंग स्पीड जो भी हमने गेम्स ट्राई करे सब परफेक्टली चल रहे थे। PUBG HD हाई पे चलता है, मैक्स आउट कर जाता है, एंड इसको अगर हम Redmi Note 8 Pro से कंपेयर करें, जो कि MediaTek Helio G90T चिपसेट से पावर्ड है, तो Redmi Note 8 Pro अल्ट्रा फ्रेम रेट्स तक जाता है, HDR अल्ट्रा तक। दोनों ही बेंचमार्क्स में अगर हम देखें तो दोनों ही चिपसेट सिमिलर परफॉर्म करते हैं। डे टू डे यूसेज परफॉर्मेंस में स्नैपड्रैगन 730G थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ लगा, हमने दोनों ही फ़ोन के साथ काफ़ी कंसिडरेबल टाइम स्पेंड किया है। रियलमी X2 थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ है Redmi Note 8 Pro से हमारे एक्सपीरियंस में। इसके बाद अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो हाँ, Realme X2 में ColorOS 6.0 है, जो कि इतना अच्छा सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है जितना बदनाम है। बट या, इट डज प्ले अ स्पॉइल स्पोर्ट एंड इट्स नॉट इन लाइन विद अवर टेस्ट, सो वी डोंट क्वाइट लाइक इट, बट थैंकफुली Realme will change it with its own version of ColorOS 7 customized version, जो कि Realme की माने तो
स्टॉक एंड्रॉयड के काफ़ी करीब है, बट रियलमी अपना ये सॉफ्टवेयर अपग्रेड काफ़ी टाइम से ला रहा है एंड अभी भी आपको इसके लिए काफ़ी टाइम और वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा कॉल क्वालिटी में हमें कोई इशू नहीं आया, अनलॉकिंग या बायोमेट्रिक्स परफेक्टली काम करता है। इंडिया में जो वर्जन है उसमें NFC नहीं है, लेकिन इसके अलावा सारी रेलिवेंट कनेक्टिविटी ऑप्शंस जैसे डुअल वोल्टी, डुअल बैंड वाईफाई सब सपोर्टेड है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कैमरा की, एंड रियलमी X2 में है सैमसंग का GW1 सेंसर लीड में, जो कि 64 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन सेंसर है। इससे पहले सेम सेंसर हमने देखा रियलमी X3 में और फ्लैगशिप रियलमी X2 प्रो में, और इन तीनों ही फ़ोन्स का कैमरा परफॉर्मेंस काफ़ी सिमिलर है। तो क्वार्टेट को पूरा करने के लिए 64 मेगापिक्सल सेंसर के अलावा इस फ़ोन में है 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल शूटर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 1 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर, मैक्रो शॉट्स लेने के लिए, जो कि आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। इसके साथ ही फ्रंट में है 32 मेगापिक्सल सेंसर, वो भी एक क्वाड पिक्सल सेंसर है एंड डिफ़ॉल्ट में 8 मेगापिक्सल की इमेजेस चर्न आउट करता है। तो कैमरा परफॉर्मेंस ब्रॉड डे लाइट में काफ़ी अच्छा है, डेज काफ़ी शार्प आती हैं और डायनामिक रेंज काफ़ी वाइड होती है, कलर्स भी काफ़ी अच्छे से कैप्चर होते हैं। रेड को लेके कैमरा थोड़ा सा ओवर सैचुरेट कर रहा है रियलमी का, जो कि हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है रियलमी फ़ोन्स में। ये थोड़ा थोड़ा हम इसमें इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं ओवर जनरेशंस। इसके अलावा अगर इंडोर्स में आप शूट कर रहे हैं और लाइट प्रॉपर है तो कैमरा डिसेंट इमेजेस ले पाता है, लेकिन लो लाइट में या फिर डार्क शॉट्स इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। एक नाइटस्केप मोड भी दिया है रियलमी में एंड उसको यूज़ करके आप इमेजेस को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं कलर टेम्परेचर इमेजेस का ऑटो मोड में, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स इतना अच्छा नहीं है। तो ओवरऑल देखें तो रियलमी का जो कैमरा है रियलमी X2 का, वो मोशन को लेके थोड़ा सा सेंसिटिव है। अगर आप स्टेडी ऑब्जेक्ट्स को शूट कर रहे हैं तो आपकी इमेजेस अच्छी आ रही हैं प्रॉपर लाइटिंग में, लेकिन अगर थोड़ा भी आपका सब्जेक्ट हिल रहा है तो इमेज क्वालिटी काफ़ी स्टीपली डिटेरिएट हो जाती है। इस प्राइस रेंज में इतना बड़ा ड्रॉबैक नहीं है एंड अगर हम कंपटीशन से कंपेयर करें तो कैमरा एट पार है कंपटीशन के, बुरा नहीं है, एक डील ब्रेकर नहीं है, लेकिन हाँ इस एक ऐसा एरिया है, ऐसा सेगमेंट है जिसमें इम्प्रूवमेंट का काफ़ी स्कोप है। बैटरी एक्सपीरियंस फ़ोन का बहुत ही ऑसम है, 4000 mAh की बैटरी है जो काफ़ी धीरे धीरे ड्रेन होती है एंड साथ में 30W वुक चार्जिंग है जिसकी वजह से फ़ोन काफ़ी रैपिडली चार्ज हो जाता है। चार्जिंग टाइम अराउंड 1 आवर है एंड बैटरी एक्सपीरियंस में लगभग कोई भी कमी नहीं है, बेस्ट फास्ट चार्जिंग सॉल्यूशन है इस सेगमेंट में। और इसके अलावा हम ऑडियो की बात करें तो लाउड स्पीकर काफ़ी लाउड है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, ऑडियो क्वालिटी अबव एवरेज है, हेडफोन्स के द्वारा म्यूजिक क्वालिटी काफ़ी इंप्रेसिव है। सो टू सम थिंग्स अप, रियलमी X2 गेट्स मोस्ट थिंग्स राइट, ओकेजनल कलर ओएस के रेंट के अलावा हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है कंप्लेन करने के लिए और ज़्यादातर चीज़ें इस फ़ोन में सही हैं। परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, डिज़ाइन एलिगेंट है, एर्गोनॉमिक है, हाँ वी शेप नॉच थोड़ा सा रिपीटेटिव लग रही है हमको। कलर ओएस 6 ज़रूर एक प्रॉब्लम है, लेकिन कलर ओएस 7 में हम आशा करते हैं कि रियलमी सॉफ्टवेयर इशूज़ को भी फिक्स कर देगा एंड फिर ये फ़ोन सही में ट्रूली इंप्रेसिव हो जाएगा। तो आपको अपने मनी की काफ़ी वर्थ मिल रही है जो कि आजकल रियलमी फ़ोन्स में गिवन है। तो ओवरऑल क्या आपको ये फ़ोन ख़रीदना चाहिए, हम कहेंगे यस। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और इसे लाइक कीजिए। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप अगला वीडियो मिस ना करें। थैंक यू।